अगर आंख का सफेद हिस्सा लाल हो रहा है, आंख में सूजन हो रही है या फिर आंखों में बहुत तेज खुजली हो रही है, ये सारे सिम्टम्स है कंजक्टिवाइटिस के, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आंख आना। ज्यादातर कंजक्टिवाइटिस वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जन से होती है, और कभी कभार ये पोल्यूशन, केमिकल, फंगाई और कॉन्टेक्ट लेंसेस के कारण भी होती है, लेकिन इसमें से सिर्फ वायरल एंड बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस ही कंटेजियस है, मतलब कि ये स्प्रेड होती है। आंखों का लाल होना, सूजन आना, जलन होना, खुजली होना, ज्यादा मात्रा में आंखों से पानी निकलना, इरिटेशन, सुबह उठते वक्त आंखों का चिपकना, आंखों से पस या फिर म्यूकस निकलना, कॉन्टेक्ट लेंसेस पहनने में अनकंफर्टेबल फीलिंग आना, हर वक्त आंखों में कुछ खटकना, ये सारे वायरल एंड बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो वायरल कंजक्टिवाइटिस के ज्यादातर केसेस माइल्ड होते हैं और इसमें किसी भी तरह की कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहती है, और 7 से 14 दिनों में ये अपने आप क्योर हो जाती है। और इसी तरह ज्यादातर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के केसेस भी माइल्ड होते हैं और जिसमें भी कोई एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, और ये भी 2 वीक में ठीक हो जाते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत तब होती है जब आंखों में बहुत ही ज्यादा पेन हो, बहुत ही ज्यादा आंखें लाल हो जाए, ज्यादा रोशनी से परेशानी हो, या फिर आपके विजन में ब्लरनेस आ जाए। अगर ऐसा कोई सिम्टम्स एक्सपीरियंस हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कर मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। कंजक्टिवाइटिस भी COVID-19 की तरह हाईली कंटेजियस है, मतलब ये बहुत ही तेजी से फैलता है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो उसकी आंखों में देखने से दूसरे लोगों को भी कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, ये एक मीथ है। अगर कोई कंजक्टिवाइटिस वाला इंसान काला चश्मा पहन के घूम रहा है तो वो किसी को ये डिजीज स्प्रेड नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डिजीज देखने से नहीं, छूने से फैलती है, मतलब काला चश्मा इस डिजीज को स्प्रेड करने से रोक नहीं सकता है। साथ रहने से, हाथ मिलाने से, छूने से, छींकने से, खांसने से ये फैलता है, और हाँ, स्कूल जाने वाले बच्चों में ये बहुत ही तेजी से फैलता है। कंजक्टिवाइटिस को स्प्रेड होता रोकने के लिए बार बार हाथों को धोए, हाथों को सैनिटाइज करे, आंखों को हाथ से टच ना करे, रब ना करे, कॉन्टेक्ट लेंसेज को कुछ दिन अवॉइड करे, पर्सनल आइटम्स को शेयर ना करे, जैसे कि मोबाइल, पेन, कीज, टॉवेल, हैंडकरचीफ, पिलोज, तो ऐसी छोटी छोटी रूटीन चीजों में ध्यान रखकर हम कंजक्टिवाइटिस को रोक सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू नॉलेज एंड गाइडेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।